अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे कि देश के पास कितना पैसा है, वहां के लोग कितना कमाते हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। साथ ही इसकी तुलना भारत पाकिस्तान समेत कुछ दक्षिण एशियाई देशों से करेंगे। इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट शामिल किए हैं: GDP, आम आदमी की इनकम, जनसंख्या, स्कूलों में बच्चों का दाखिला, औसत आयु। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान की GDP से। 1960 में देश की GDP 3,700,000 करोड़ रुपए थी, जो 2020 में 147,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सोवियत संघ और तालिबान के राज के कारण 1980 से 2002 तक का डेटा मौजूद नहीं है। अगर दक्षिण एशियाई 8 देशों के साथ इसकी तुलना करें तो अफगानिस्तान 8वें नंबर पर आता है। अगली बारी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय की। साल 1960 में प्रति अफगानी की औसत आय 2,604 रुपए थी, जो 2020 तक 37,409 रुपए तक पहुंच गई। वहीं दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले अफगानिस्तान आखिरी नंबर पर आता है। इसकी प्रति व्यक्ति आय लाख के आंकड़े से कहीं दूर है। अफगानिस्तान ने लंबे वक्त तक लड़ाई झेली है। शुरुआती सालों में यहाँ जन्म दर काफी कम थी। देश की जनसंख्या पर नजर डाले तो ये साल 1960 में 89 लाख थी, जो 2020 में 3,90,00,000 तक पहुंच चुकी है। 1980 के बाद चले युद्ध के कारण 1990 में यहाँ की आबादी घट गई थी। दक्षिण एशियाई 8 देशों की लिस्ट में भारत पहले नंबर पर और अफगानिस्तान 4थे नंबर पर है। इस बार तालिबान की पूरी कोशिश है कि वो खुद को पिछली बार के मुकाबले कम क्रूर दिखाए, लेकिन तालिबान के राज में महिलाओं की स्थिति क्या होती है हम सभी जानते हैं। साल 1970 में अफगानिस्तान के 31% बच्चे प्राइमरी स्कूल में दाखिल होते थे, जो 2018 में बढ़कर 100% तक पहुंच गए। लेकिन आप साल 2000 में एक गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि इस दौरान लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। साल 1970 में कुल स्कूल में दाखिल बच्चों में 9% लड़कियां थी, जो साल 2000 में 0 हो गया, लेकिन 2018 आते आते ये 83% तक पहुंच गया। दक्षिण एशियाई देशों में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति में भी अफगानिस्तान आखिरी नंबर पर है। ऐसे ही लंबे वक्त तक लड़ाई झेल रहे इस देश में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि इनकी औसत आयु काफी कम है। साल 1960 में यहाँ के लोगों की औसत आयु 32 साल थी, जो बढ़ते बढ़ते साल 2019 में 65 साल तक पहुँच गयी। अगर इनमें महिलाओं की बात करें तो 1960 में इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों से अधिक 33 साल थी, जो साल 2019 में भी ज्यादा ही है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? यही कि एक अच्छा खासा देश तालिबान के आने से क्या हो गया। महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई, जनसंख्या दर घट गई, लेकिन इतने सालों में हुए बड़े बदलाव के बाद भी तालिबान में लोगों की मासिक आय 3,000 रुपए से अधिक नहीं है। ऐसी ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।